आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक सिंपल और इजी सोया चंक्स की रेसिपी। ये इतना टेस्टी है कि आप चिकन और मटन भूल ही जाओगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उबलते पानी में सोया चंक्स ऐड करेंगे। मैं 100 ग्राम सोया चंक्स यूज़ कर रहा हूँ। इसे 2 से 5 मिनट तक उबालेंगे और पुनः पानी निचोड़ कर साइड में रखेंगे। अब हम एक कढ़ाई गरम करके कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और अभी इसमें जाएगा 1 बारीक कटा हुआ प्याज और इसको हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे और ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, 3 हरी मिर्च और थोड़ा सा करी पत्ता। और हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और ऐड करेंगे नमक स्वादानुसार, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। इसे मिक्स करके ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और अच्छे से मिलाएंगे। अब हम ऐड करेंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर और जब टमाटर अच्छे से पक जाएगा ऐड करेंगे सारे मसाले, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। मसाले की कच्ची स्मेल जाने तक अच्छे से पकाएंगे और अब हम ऐड करेंगे सोया चंक जो कि हमने पानी निचोड़ के साइड में रखा था। अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ढक्कन बंद करके पकाएंगे पूरा पानी ड्राई होने तक। अब हम ढक्कन ओपन करके ऐड करेंगे 2 टीस्पून चिली सॉस और 2 टीस्पून टोमेटो केचप। आप इसे सेमी ग्रेवी कंसिस्टेंसी में भी बना सकते हो। चलो अपना सोया चंक्स रेडी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।